ओम शांति। आज 21 मई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मन्मथ मिक्स नहीं करना। मन्मथ पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। देखिए, श्रीमत हमको किससे मिलती है? जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जिससे बड़ा और कोई नहीं है। और जब वो हमें श्रीमत देते हैं, तो हम अगर अपनी मत उसमें लगाते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं या अपनी मत लगाते हैं, तो मानो हम अपने आप को एक हिसाब से श्रीमत से भी हम ऊंचा अपन को मान रहे हैं। तो जब ऐसा होता है, तो बड़े की ये अवज्ञा जबरदस्त है। तो जो तकदीर हमारी उस श्रीमत से जगनी हुई होती है, जो उसको ब्लेसिंग उस श्रीमत को होती है, वो ब्लेसिंग हम गंवा देते हैं, तो वो तकदीर पर लकीर लग जाती है। प्रश्न है कि बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते हैं, ये तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही, इसमें बाबा क्या करें। कोई मर गया, दिवाला निकल गया, तो इसमें बाबा से कृपा क्यों, क्या मांगते हो, ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, जितना हो सके योग बल से काम लो। बाबा ने स्पष्ट किया है हम बच्चों को कि जो भी आपके शारीरिक हिसाब किताब है, वो आपके अपने हैं और कर्मों का हिसाब किताब है। तो बाबा कर्मों के हिसाब किताब में कदापि इंटरफेयर नहीं करता। हर आत्मा का अपना अपना है। आपके कर्मों के हिसाब के कारण से आपका बिजनेस डाउन है, उसके कारण से आपका शरीर खराब है, उसके कारण से आप कोई कार्य बहुत अच्छी तरह प्लान करके भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, कोई कारण है। तो बाबा के तो उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ। आज का गीत है, तूने रात गवाई सोकर। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा ने कहा कि आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है, बाकी 84 लाख तो हो नहीं सकते। बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। 84 का चक्र कहा जाता है, 84 लाख का नहीं। फिर बाबा ने कहा कि इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अब बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, जब तक ये बात बुद्धि में नहीं आई है तब तक समझेंगे नहीं। ये पुराना शरीर, पुरानी दुनिया है, ये दे तो खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। ये पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे पूछते हैं, बाबा ये देखिए, बाबा ने जो ये बात कही है ना कि तुमको देह को भूलना है, देह, तो जब हम क्यों बाबा कहता है? क्योंकि हमारा सारा संसार देह के साथ रचा हुआ, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की दुनिया, सब कुछ। तो आप में तो मर गई दुनिया, अगर आप इससे खत्म हो जाते हैं, देह की भान से विस्मित हो जाते हैं, तो सारी दुनिया ऑटोमेटिकली भूल जाती है। फिर आपको एक एक बात के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये ज्ञान कब तक चलेगा। जब तक भविष्य दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे। इम्तिहान पूरा होगा फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में।
जब तक शरीर को कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये शारीरिक रोग भी कर्म भोग है। बाबा का ये शरीर कितना प्रिय है तो भी खांसी आदि होती है। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारे ऑर्गन्स पुराने हो गए हैं इसलिए तकलीफ होती है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारा अपना शरीर है, ऑर्गन्स पुराने हैं, घिसपिट गए हैं, इसलिए वो खड़खड़ करते हैं, उससे मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो। बाप की याद में कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारी कहते हैं। ये बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त, इसलिए लव पूरा ठहरता नहीं। नहीं तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। शिव बाबा के लिए फिर बाबा ने कहा, गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। बच्चों को कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो वहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ माया है नहीं, इसलिए तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, अब बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वो लोग साधना आदि करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं। यहाँ तो बस एक बाप को याद करना है। बाबा ने कहा कि चाट रखना है तो अंत मती सो गति हो जाए, देह भी याद ना पड़े ऐसी अवस्था हो। नहीं बाबा, आखिर हम बच्चों को अंत मते साहिब गति, जैसे तुम्हारी अंत मति होगी वैसी तुम्हारी गति होगी, इस बात के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचाते हैं। सारा जो जीवन है हमारा वो किन स्मृतियों में बीतता है, अंतिम घड़ियों में वही स्मृतियां हमको आएंगी। इसलिए जीवन काल में अपने स्मृति कक्ष को हमको ठीक रखना है, ताकि बाबा को हम लास्ट में प्यार से याद करते हुए बाबा के पास उड़ जाएं। बाप कहते हैं तुम्हारा तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी याद में रहो। अभी वो अवस्था आई नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि साथी धंधे देरी में बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारी बातें हमने प्रपंच क्रिएट कर रखा है, जब तक हम उनको समेटेंगे नहीं तो 8 घंटे की याद नहीं होगी। बाबा ने कहा कि सारी दुनिया ही लंका है, रावण का राज्य है ना, बंदर जैसे मनुष्यों को पवित्र मंदिर लायक बनाकर रावण राज को ख़त्म कर देते हैं। सदगति दाता बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए, उनको सदगति करनी है अंत में। अब बाप कहते हैं बच्चे और सबको छोड़ एक मेरे से सुनो, मैं कौन हूँ पहले ये निश्चय चाहिए। मैं तुम्हारा वही बाप हूँ। मैं तुमको फिर से सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। ये ज्ञान तो बाप सम्मुख देते हैं फिर तो विनाश हो जाता है, फिर जब द्वापर में खोजते हैं तो वही गीता आदि शास्त्र निकल आते हैं। ये ज्ञान तो यहाँ ही ख़त्म हो जाता है। ये होता है कि अभी नेचुरली भूकंप होते हैं, नेचुरल कलामिटीज होती हैं बहुत, तो जो धरती के नीचे से कुछ निशानियाँ मिलती हैं उनको देख करके फिर आटे में नमक की तरह उसमें सच्चाई जो है वो आ जाती है शास्त्र लिखने में। बाप कहते हैं ऐसे नहीं चलते फिरते घूमते समय गवाओ, यही कमाई का समय है। जिनके पास धन बहुत है वो तो समझते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है। बाप कहते हैं भल ये स्वर्ग तुमको मुबारक हो।
बाप तो गरीब नवाज है, गरीबों को दान देना है, गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है। हाँ, कोई बिरला साहूकार भी निकलता है, ये बहुत समझने की बातें हैं। देखिए, जिसके पास बहुत कुछ पोजीशन है, वो समझते मेरे ये है ये है ये है, तो उसको ज्ञान उठाना भी कठिन लगता है, मैं किस ले लूँ, क्योंकि वो बाह्य सुखों के उसमें इतना लवलीन होता है जो कि आंतरिक सुख की ओर उसका ध्यान जाता ही नहीं। तो जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास बाह्य नहीं है, तो वो आंतरिक पर तुरंत अटेंशन देते हैं, तो आंतरिक पर तुरंत अटेंशन देने के कारण से वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये दुनिया ही खत्म होनी है, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे, सृष्टि नई बन जाएगी, कोई तो एडवांस में भी जाएंगे। श्री कृष्ण के माँ बाप भी तो एडवांस में जाने चाहिए, जो फिर कृष्ण को गोद में ले लें। कृष्ण में से ही सतयुग शुरू होता है, ये बड़ी गुहे बातें हैं। ये तो समझ की बात है, कौन माँ बाप बनेंगे, कौन सेकंड नंबर में आने लायक है। सर्विस से भी तुम समझ सकते हो, लक से भी कोई गैलप कर आगे जाते हैं। ऐसा हो रहा है, पिछाड़ी वाले फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। तो बाबा ने ये जो बताया, एक तो सर्विस से और दूसरा जो लक से भी आगे जाते हैं। लक भी तब है ना जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे, लक भी तो ऐसे ही नहीं मिल जाती है ना, तो श्रेष्ठ कर्मों का पुण्य जमा होगा तो ही वो लक काम करेंगे। तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना है, कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी, किसको दुख मत दो। जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं वैसे फॉलो करना है, तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, ड्रामा के हर रास को जान, सदा खुश राजी रहने वाले, नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं वे कभी नाराज नहीं हो सकते, भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट कर दे तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के हर रास को जानने वाले नाराज नहीं होते। नाराज वो होता है जो रास को नहीं जानता है। इसलिए सदैव ये स्मृति रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे। तो अभी जो खुश भी हैं राजी भी हैं वही बाप के समीप और समान हैं। बाबा कहते अपनी सुध लेनी चाहिए, जब बाबा के बने हो तो बनना है तो पूरा अच्छे रीत से बन करके जो वो पढ़ाते हैं जो वो कहते हैं उनको अच्छी तरह से धारण करना चाहिए। स्लोगन है, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट महात्मा है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।